हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो स्टूडेंट्स, आज अपन कॉग्निशन केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोरी केमिस्ट्री में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर अपन ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कॉग्निशन नंबर 4 और कॉग्निशन नंबर 6 में किस तरह से अपन फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से इनके क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये सारा का सारा अपन ने डिस्कस कर लिया है। बहुत ही इजी ट्रिक में बता रखा है, अगर आपने देखा नहीं जरूर जरूर देखिएगा। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर जो सेकंड टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और इस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कुछ टर्म्स अपने को डिस्कस करनी है जो कि किरिल के लिए है, किरिल कंपाउंड या एसिमेट्रिक कंपाउंड, असिमेट्रिक कंपाउंड। इसके अलावा है मिरर इमेज, ये तो खैर आप जानते होंगे मिरर इमेज के बारे में। एक सुपर इंपोजेबल एंड नॉन सुपर इंपोजेबल। ठीक है, दिस नेक्स्ट अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन एंड लिवो रोटेशन। अगर मैं आगे डिस्कस करूं तो डिस्कस करूंगा एनेंशियोमर्स का। तो ये कुछ पॉइंट्स अपने पास होंगे, इसे में एक और एड करना है प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल। ये कुछ टर्म्स है जो कि अपने को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं किरिल कंपाउंड की। किरिलिटी क्या होती है? ठीक है, अगर मैं कहूं कि कोई कंपाउंड है, उस कंपाउंड में किसी भी टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, कॉग्निशन केमिस्ट्री में द कंपाउंड इन विच नो सिमेट्री एलिमेंट इज प्रेजेंट, दैट इज देयर इज एनी टाइप ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट कॉल्ड कायरलिटी एंड दोज कंपाउंड विच आर इन विच या विच हैव नॉट एनी टाइप ऑफ सिमेट्री आर ऑप्टिकल आइसोमर्स दैट इज दे विल ऑप्टिकली एक्टिव। ये कुछ छोटी छोटी टर्म्स है जो अपने को ध्यान रखनी है। तो ये सबसे पहले अगर ये कहा जाए कि अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में भी अपन कार्बन की रिस्पेक्ट में देखते हैं कार्बनिटी, और जहां अपन ये कहेंगे अगर किसी ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी सिमेट्री प्रेजेंट ही नहीं है, भले वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो, जो भी है सिमेट्री एलिमेंट अगर एब्सेंट है तो वो कंपाउंड कायरल कहलाएगा या कायरल, उनकी जो फिनोमेना होगा वो कायरलिटी होगी। और जो कंपाउंड एसिमेट्रिक होता है यानी जिनमें सिमेट्री एलिमेंट एब्सेंट होते हैं वो क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये था अपने पास पहला यानी जो पहली जो टर्म है वो। अब एसिमेट्रिक का मतलब आप समझ गए, किसी भी तरह से उसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये दोनों टर्म अपन ने डिस्कस कर लिए। अब अपन डिस्कस करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में। नोट कीजिए, देखिए प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करता हूं, प्लेन पोलराइज्ड
लाइट की। इसको शॉर्ट में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो PPL, क्या लिख सकते हैं अपन इसको PPL। अब देखिए इसके बारे में क्या है वो देखते हैं। एक अपने पास लाइट का सोर्स है, ये लाइट सोर्स है, यहां से लाइट निकल रही है, समझिएगा इसको। इसमें बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां जो लाइट निकल रही है ये लाइट नॉन प्लेनर, ये कुछ इस तरह से है, यानी किसी भी प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेनर में ही है, नॉन प्लेनर लाइट होती है एंड नॉन पोलराइज्ड, नॉन प्लेनर और नॉन पोलराइज्ड लाइट होती है। अब क्या करना, इस लाइट को आपको क्या करना है, एक निकोल प्रिज्म से जो कि पोलराइजेबल होता है उसमें से पास करनी है, इसमें से निकोल प्रिज्म से पास करनी है। अगर अपन इस निकोल प्रिज्म से इसको पास करते हैं तो यही लाइट एक प्लेन में आ जाती है और पोलराइज हो जाती है, या इसको ऐसे बनाना चाहो प्लेन में, देखो एक ही सेम प्लेन में आ रही है, तो इस लाइट को अपन कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या कह रहा हूं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब सुनिए भैया, आगे अगर मैं ये कहूं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सिंपल सा देखिए, अगर मैं कहूं इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कुछ कंपाउंड्स अगर इसके अंदर रोटेशन हो जाए, क्या कह रहा हूं, रोटेशन का मतलब अगर कंपाउंड अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, तो ये कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेशन। क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रो रोटेशन कहलाएगा, और इसको अपन डिनोट करते हैं प्लस से या स्मॉल डी से। ऐसे अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये रोटेशन क्या आएगा, लिवो रोटेशन। इसको डिनोट करते नेगेटिव से या स्मॉल एल से। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं डेक्सो रोटेटरी रोटेशन की, तो ये ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इनटू क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट रोटेशन इज कॉल्ड डेक्सो रोटेटरी रोटेशन। और दोज कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट आर कॉल्ड लिवो रोटेटरी रोटेशन। सिंपल सी डेफिनेशन है जो मैं अभी लिख दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्सोरोटेटरी यानी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको डेक्सोरोटेटरी रोटेशन कहा जाएगा। अगर कोई कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है तो उसको क्या कहा जाएगा, लिवो रोटेटरी रोटेशन कहा जाएगा। अब सुनिए, ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और ये कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, समझ में आया। ये कंपाउंड क्या कहलाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं दोज कंपाउंड्स अभी मैं कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि अपन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर यही बात अगर ऑर्गेनिक में होती तो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर लेता। तो दोज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इनटू क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन
दीज आर कोल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स. ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स एंड देयर फिनोमेना इज नोन एज ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी. अब देखिए दीज टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कैन एग्जिस्ट या कैन शो ऑप्टिकल आइसोमर्स. और ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकल आइसोमर कंपाउंड या ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाएंगे. क्या ये डेफिनेशन समझ में आई? यानी ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे वो क्या कहलाएंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे. और ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं. क्लियर हुआ? तो ये तो इसकी डेफिनेशन थी. बस ये डेफिनेशन जो बनानी है इसी डायग्राम से बनानी है. यानी अगर आपको इसकी डेफिनेशन बनानी हो डेक्सो रोटेटरी रोटेशन की तो आप कह सकते हो कि दोज कंपाउंड विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड डेक्सो रोटेटरी रोटेशन. अगर मैं यही डेफिनेशन इनकी बनाऊं लीवर रोटेटरी के रोटेशन में इसके रेस्पेक्ट में तो दोज कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कॉल्ड लीवर रोटेटरी रोटेशन. अगर मैं ये कहूं कि ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं वो कंपाउंड अपने लिए क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होंगे और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. क्या यह पॉइंट समझ में आ गया? क्लियर हुआ? तो देखिए यहां तक अपन ने दो पॉइंट डिस्कस किए हैं, एक कायरलिटी के बारे में, एक जनरली ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में. ध्यान रखना ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में किसी भी तरीके से सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी. ये अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन से केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रम में. क्लियर है? चलिए स्क्रीन शॉट लीजिए इसका. अब देखिए अपन बात करते हैं सुपर इम्पोजिबल और नॉन सुपर इम्पोजिबल की बात. अगर कोई भी दो मिरर इमेज, देखो मैं एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेके समझा रहा हूं. मैंने ये कंपाउंड लिया COEN होल ट्वाइस Cl2 प्लस 1, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिया. इसमें देखना है कि कौन सा कंपाउंड सुपर इम्पोजिबल होता है और कौन सा कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल. यानी अगर मैं ये कहूँ कि ये दोनों के दोनों आपस में मिरर इमेज हैं और मिरर इमेज होने के बाद में अगर मैं इनको ऊपर रखता हूँ और रखने के बाद में ये आइडेंटिकल एक जैसे दिखाई देते हैं, फ्रंट वाला दिखाई देगा बैक वाला दिखाई नहीं देता, इसका मतलब सुपर इम्पोजिबल है. ठीक है, अगर ये मिरर इमेज है और अगर इनको रखने के बाद में इनको इजिली अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दोनों के दोनों डिफरेंट है, दोनों के दोनों डिफरेंट है, इसमें किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है या किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो वो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे. मिरर इमेज तो होंगे लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल. क्लियर है? जैसे अगर मैं हाथ की बात करूं तो ये मेरे दोनों हाथ ये मिरर इमेज तो है लेकिन जब इनको मैं रखता हूं तो ये नॉन सुपर इम्पोज होंगे. कैसे? आप देखो ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, ये देखिए मिरर इमेज है. जब मैं इनको सुपर इम्पोज कर रहा हूं तो मैंने जैसे इनके ऊपर रखा गया तो मेरा एक अंग इस राइट थंब को देखिए और लेफ्ट थंब को देखिए, दोनों को अपन इजीली कह सकते हैं कि ये मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है. क्या है? मिरर इमेज तो है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल. नॉन सुपर इम्पोजिबल को अपन बोल सकते हैं कि इनको रखने के बाद में अगर ये डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं इजिली तो नॉन सुपर इम्पोजिबल. अगर इनको मैं रख दूं और रखने के बाद में इनको ऐसे लगे कि एक जैसे जैसे ऐसा है एक हाथ पीछे की तरफ है आपको दिख नहीं रहा, इसका मतलब वो सुपर इम्पोजिबल है. ये दो टर्म है यहाँ पर. ठीक है, तो मैं बात करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को लेकर. मैंने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पहले दो स्ट्रक्चर बना लिए, एक सिस और एक ट्रांस. तो सबसे पहले मैं ईएन को लेता हूं, ये मेरे पास ईएन रख लिया, इसके मैंने ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ भैया समझना. ये पहले मैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स बनाता हूँ सिस और ट्रांस, ये सीएल और ये सीएल, ये तो इसकी सिस फॉर्म है. अब मैंने यहां पर एक मिरर लगा लिया और यहां इसका मिरर इमेज मैंने बना दिया. देखिएगा ये सीएल यहां है, ये हो गया अपने पास ईएन, ये इधर ईएन हो गया और ये सीएल हो गया. देखो मिरर इमेज, देखो इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया, इसके सामने ये हो गया और इसके पीछे की तरफ ये हो गया. ये आपस में मिरर इमेज है.
क्लियर है। अब देखिए सुनना, इस मिरर को ऐसे कैसे उठाओ, इस इमेज को ऐसे कैसे उठाओ और इसके ऊपर इस तरह से रख दो, ठीक है। जैसे मैंने इसको ऐसे कैसे उठाया, पलटना नहीं, ऐसे प्लेन से बाहर नहीं जाना, ये तो नॉन प्लेन, प्लेन से बाहर जाने की बात नहीं कर रहे, अपने को प्लेन की प्लेन में रखना। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे उठाना है इसको और ऐसे कैसे इसको ऊपर सुपर इम्पोज करना है। आप कहोगे सर सीयर के ऊपर सीयर आ गया, बिल्कुल सही बात है। क्या ये इसके राइट साइड में आएगा क्या भैया, इसके इस तरफ थोड़ी आएगा। अगर इसको ऐसे कैसे रखना रहता, इसके ऊपर ये रख जाता, इसके ऊपर ये रख जाता, इसके ऊपर ये रख जाता, तो सुपर इम्पोज होता। अब जब मैं इसको ऐसे कैसे रख रहा हूं, तो ये सीएल तो इसके ऊपर रखा जाएगा, ये सीएल यहां आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों मिरर इमेज आपस में क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है। क्या है आपस में, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। क्या लिख रहा हूं इनको, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। और ये दोनों के दोनों ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। अब देखो इसकी ट्रांसफॉर्म नहीं मिले, मैं रेड पेन से बना देता हूं उसको, थोड़े छोटे बना रहा हूं। ये कोबाल्ट लिया, ये मैंने ईएन ले लिया और ये एक ईएन इधर ले लिया और ये दोनों सीएल और ये लगा दिया मैंने इसके आगे मिरर। अब जब मिरर लगाऊंगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी। ये ईएन मिल गया सामने वाला, ठीक है, ये ईएन, ये दूसरा पीछे की तरफ वाला ईएन, ये वाला और ये दोनों सीएल। अब आप कहोगे सर एक तो इसमें प्लेन प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। प्लेन कैसे, आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो, ठीक है, काट सकते हैं, प्लेनो सिमेट्रिक प्रेजेंट है। अब ये देखिए कि ये दोनों मिरर सुपर इम्पोजिबल है क्या, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है क्या। अगर इसको ऐसे कैसे प्लेन से उठा करके यहां रखूंगा तो इस ईएन के ऊपर ये ईएन आ जाएगा, इस ईएन के ऊपर ये ईएन आ जाएगा, इस सीएल के ऊपर ये सीएल और इस पर ये सीएल। यानी ये आपस में दोनों के दोनों मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही है। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो समझते जाना, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दूसरा अपन क्या कह रहे हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जब ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी, ठीक है। तो इस तरह से अपने को पहचान। अब आपको सर इसमें तो प्लेन बताया नहीं, तो आप इसको ऐसे काटें, थ्री डी के अंदर आप इसको इमेज कर रही है। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर बता रहा है इसको कैसे इमेज करना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का इसका आपको इंफॉर्मेशन इसके जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका मिल जाएगा वीडियो लेक्चर का लिंक, वहां से जाकर के आप देख लेना। अब यहां देखें तो यहां से अगर मैं प्लेन काटता हूं तो ये इधर अलग दिखाई देगा, ऐसे प्लेन काटता हूं तो ये अलग दिखाई देगा, अगर ऐसे प्लेन काटता हूं तो ये अलग दिखाई देगा। यानी इसमें किसी भी तरह की प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी किसी भी तरह की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया और ये सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव होती है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करती है, और सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब देखिए इसी की डेफिनेशन, इसमें एक डेफिनेशन आती है एनेंशियोमर, ये भी इसी से जुड़ जाएगी, एनेंशियोमर या एनेंशियोमेरिज्म। यानी अगर मैं कहूं दोज कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेज, दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल ऑन देयर मिरर इमेजेस, कॉल्ड एनेंशियोमर्स। क्या कहलाएंगे, एनेंशियोमर्स कहलाएंगे, एंड देयर फिनोमिना इज कॉल्ड एनेंशियोमेरिज्म। वो फिनोमिना क्या कहलाएगा अपने पास, एनेंशियोमेरिज्म कहलाएगा। तो मैंने जो टर्म थी ना, सभी के सभी टर्म्स मैंने इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिए, कायरलिटी के बारे में, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में, डेस्टोरोडेट्री और लिवरोडेट्री के बारे में, सुपर इम्पोजिबल नॉन सुपर इम्पोजिबल के बारे में और एनेंशियोमेरिज्म के बारे में। ये सारे के सारे मैंने
अपने जो स्टीरियो केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोरिलेशन केमिस्ट्री के अंदर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है, उस स्टीरियो केमिस्ट्री में जो ऑप्टिकल अल्केमिज्म से जुड़ी हुई छोटे जितने भी टर्म्स है, वो सारे के सारे टर्म्स आपने इस वीडियो लेक्चर में कवर कर लिया। क्लियर है? अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें मैं इसके एग्जाम्पल बताऊंगा, एनसीईआरटी पे बेस्ड जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सारे सारे मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। तो जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।